प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिमंडी में एक बार फिर ब्रिज के उद्घाटन को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कानून और मनपा को ताक पर रखकर भिमंडी शहर में भाजपा ने कल्याण नाका ब्रिज का उद्घाटन कर दिया, जबकि इस ब्रिज का उद्घाटन 21 सितंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और भिवंडी महानगर पालिका के मेयर और कमिश्नर के हाथों ऑनलाइन उद्घाटन होने वाला था, मगर इसके पहले ही बीजेपी के भिवंडी वेस्ट MLA महेश चौगुले और शहर अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ इस ब्रिज का उद्घाटन कर दिया, जिस पर अब राजनीति गर्म हो गई। समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक रईस शेख का नाम फोटो कहीं भी नजर नहीं आया। भाजपा पदाधिकारियों का कहना है कि ये ब्रिज हमारे पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस की देन है, इसलिए भाजपा ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया है। और यहाँ के जो खासदार आमदार और हमारे देवेंद्र जी फडणवीस माजी मुख्यमंत्री, भिवंडी के इतिहास में पहली बार इतना रस्ते का काम उन्होंने दिया, वर्क ऑर्डर हुआ, बहुत को तो स्टे दिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने, और जो वर्क ऑर्डर है उनको ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ के खासदार कभी पहले बोल रहे, यहाँ के आमदार बोल रहे उसको काम चालू करो, और जो चालू बीच को फुकट बंद किए, आज 3 दिन से सबको पैसा का रख दिए और कल फिर नाटक हो रहा है, तो ये नाटक चलेगा नहीं। और यहाँ पे हमारे खासदार आमदार का मान सम्मान होएगा नहीं, हमारे माजी मुख्यमंत्री अभी के देवेंद्र मंत्री इनका अगर सम्मान देंगे नहीं तो भिवंडी में कोविड की वजह से हम लोग बहुत चीज बता बोल नहीं रहे, ठीक है तक, लेकिन इनका जो फालतू भी चालू है अगर नहीं सुधरेगा तो हर जगह हम लोग ये नाटक करें। अन्ना क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए भिवंडी शहर में जितने भी उड़ान पुल बनाए गए उसको लेकर हर बार राजनीति होती है, यहाँ पर भी वही चीजें देखने को मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, जनता के हित में या तो फिर राजनीतिक रोटी ऐसे भी देखी जा रही है? जनता के हित में हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ राजनीति जो करेगा वैसा उसको जवाब मिलेगा राजनीति से, अगर वो अच्छे काम से अच्छे से करेगा उसको अच्छा जवाब मिलेगा। अभी ये राजकरणी हो रही है, चालू बीच को तुम बंद करो, नीचे काम चालू है, और जहाँ बोल रहे आपको काम चालू करो वर्क ऑर्डर हुआ है उसको तुम लोग काम नहीं करो, ये जो नाटक चालू है MRD के लोग हो या महापालिका लोग, अगर ऐसी काम करेगा तो हम बहुत से गलतियाँ है उसको हम हमारे तरीके से निकाले। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से आज ओपनिंग की गई है विदाउट ऑफिशियल, क्या कारण था कि आज ब्रिज की ओपनिंग की? ये ऑफिशियल तो ओपनिंग कैसा है, मुख्यमंत्री सबको टाइम नहीं है, ऑनलाइन ओपनिंग करने को टाइम नहीं है, और ये ओपनिंग एक झूठी ओपनिंग है, क्योंकि 6 महीना पहले शिवसेना के माजी आमदार ने इनकी ओपनिंग की थी और ये रोड चालू था। अभी उनको कोविड में कुछ काम किए नहीं, घर से बाहर निकले नहीं, और काम नहीं करने के बाद अभी लोगों को क्या दिखाना है, तो ये पुराने काम दिखा के अपना श्रेय ले रहे। और जो नए काम हमने पास किए थे हमारे सरकार में, जो MMRD के माध्यम से रोड भी है उसको स्थगिति दे के बैठे, यानी काम भी नहीं, और जो हमारा फंड अभी आता था जो आमदार निधि का वो भी फंड लेके दे नहीं रहे, तो ये क्या काम हो रहा है, महाराष्ट्र का कुछ काम नहीं हो रहा। और इधर सिर्फ एक क्या बोलते हैं, आज भी ओपनिंग कर रहे महापालिका के माध्यम से, लेकिन ओपनिंग में आमदार के फोटो ही नहीं, खासदार के फोटो ही नहीं, तो ओपनिंग क्यों कर रहे, यानी क्या दिखाना चाहते, क्या हमने कुछ किया ही नहीं, तो ये झूठ तरीके का ये काम है, क्योंकि आज हमने इसके लिए ये ओपनिंग हो चुकी थी, लेकिन लोगों को परेशान करने का काम ये सरकार कर रही थी, इसके लिए आज हम पूरे भारतीय जनता पार्टी RPI सब मिलके आज ये हमने फिर वो रोड चालू किया, ये हम जाहिर करते हैं। सर, सोशल मीडिया पे जिस तरह से जो व्हाट्सएप पे जो फोटो घूम रहा है उस पर दोनों आमदार के फोटोज नहीं है, और क्या उसके बारे में क्या कहना? तो यही है ना, जिसने काम किया उनका फोटो नहीं है, और जो नहीं किया अभी आए हैं अभी उनका फोटो डाल रहे, तो यही क्या दिखाना चाहते हैं, ये झूठा श्रेय क्यों लेते हैं? हम चाहते हैं कि तुम काम करो और तुम्हारा श्रेय तुम लो, हमारा किसका भारतीय किसका फोटो मत डालो या किसका ये मत करो, लेकिन पहले काम करो। MMRD कितनी जिम्मेदार है इसके लिए, जो ब्रिज बनाई है उन्होंने? अभी कैसा है MMRD, क्या जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं, MMRD ने काम किया है, ओपनिंग को टाइम देना चाहिए, उसने मुख्यमंत्री जिसको लाना उसने टाइम देना चाहिए, उसको सिर्फ आना तो नहीं है इधर, सिर्फ ऑनलाइन टाइम नहीं मिल रहा है तो कितने बिजी है वो आपको मालूम है, और बिजी होके काम महाराष्ट्र की दुर्दशा क्या है आपको मालूम है, कोविड में कितने पेशेंट मरे हैं, कोविड में सबसे नंबर 1 महाराष्ट्र है,